नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पृथ्वी ब्रह्म पर। दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि मानवता अपने पतन की ओर बढ़ रही है और अब वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति का गुस्सा लावा की तरह फूटेगा और सभी मनुष्य समय की चक्की में फिस जाएंगे। तो इस भयावह वातावरण में अपने आप को शांत कैसे रखा जाए तथा अपने आप को सकारात्मक विचारों से कैसे भरा जाए, यह सवाल हम सभी के मन में उठता है। यदि आप भी इसका जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा तो हमेशा की तरह इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि हम कलयुग के अंतिम चरण में जी रहे हैं। यदि इस विषय में आपके मन में कुछ शंका है तो हमारे चैनल पर विजिट अवश्य कीजिएगा। हमने वहाँ विभिन्न शंकाओं के समाधान करने के लिए अनेकों वीडियो बनाए हैं जो कलयुग की सच्चाई को साबित करते हैं। उन सभी वीडियोस के आधार पर तय होता है कि हम विनाश के बहुत नज़दीक है, परंतु दोस्तों, इस विनाश की घड़ी में भी अपने अंदर सकारात्मक सोच और अच्छाई का होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम अपने अंदर सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे तब तक हम स्वस्थ और सही राह पर होंगे, क्योंकि सोच बहुत शक्तिशाली होती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पूर्व पानी पर एक शोध किया गया था। इस शोध का मकसद था पानी की ग्रहणशीलता की जांच करना, अर्थात क्या पानी पर हमारे विचारों का कोई प्रभाव पड़ता है। उस प्रयोग के दौरान पानी के दो अलग अलग पात्र लिए गए तथा उन दोनों को एक एक कर हाथ में पकड़ा गया। पहले पात्र को हाथ में लेकर दिमाग में अच्छे विचार लाए गए तथा भगवान से प्रेयर अर्थात प्रार्थना की गई। इसके बाद जब उस पानी को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें रंगोली नुमा पैटर्न बन चुके थे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद दूसरे पात्र को हाथ में लेकर दिमाग में बुरे और गंदे विचार लाए गए तथा एक बार फिर पुनः उस पानी को माइक्रोस्कोप से देखा गया। यह सब देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि इस बार पानी का पैटर्न भयानक रूप से बिगड़ चुका है, जो किसी डरावने चेहरे के समान प्रतीत हो रहा था। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि हमारी सोच का पानी पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 75% पानी से बना है, अर्थात हमारी हर सोच हमारे शरीर को प्रभावित करती है। अर्थात चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, अगर हमारी सोच अच्छी रहेगी तो हम अंदर से स्थिर और शांत रह पाएंगे, जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि इस विषय में आपके मन में भी कोई सवाल उठता है तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।